नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीलोत्पौल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी दोस्तों आप तो जानते ही हैं मैं वेस्ट बेंगल में रहता हूं और यहां पे जो रेशन सिस्टम है मतलब ये ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई का जो रेशन कार्ड है यहां से रेशन दिया जाता है अगर आपका इस रेशन कार्ड में आधार लिंक नहीं है तो ये रेशन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और कोई सामान आपको नहीं मिलेगा तो इस डीएक्टिवेट कार्ड को कैसे फिर से एक्टिवेट करना है और वो भी घर से वो प्रोसेस आज हम देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले दोस्तों आपको ये वेबसाइट को ओपन करना है यहाँ पे फूड डॉट डब्ल्यू बी डॉट डॉट इन इस वेबसाइट को आपको किसी मोबाइल में या डेस्कटॉप में ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना पड़ेगा मतलब आपका रेशन कार्ड में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ पे वेरीफाई रेशन कार्ड का ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और चेक करके आपको दिखाता हूँ ये रेशन कार्ड का क्या स्टेटस है तो इसलिए यहाँ पर आपको रेशन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा तो यहाँ पर रेशन कार्ड का नंबर मैं यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पे आर सी कैटागोरी यहाँ पर आर के एस वाई टू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो कैप्चा है वो यहाँ पे डालता हूँ और सर्च का ऊपर क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे स्टेटस में आपको ये रेड कलर में यह दिखाई देगा और अगर ये रेड कलर में दिखाई देगा तो ये इक्यो नहीं हुआ है और इसलिए ये डीएक्टिवेट हो गया है और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे ई के आई सी डान के जगह में डू ई के वाई सी आपको ऑप्शन आप यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपका रेशन कार्ड का जो जिस नं... जिस नाम से ये कार्ड है उसका सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डू ई के आई सी ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे लिंक आधार विथ एक्टिव कार्ड आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे एक्टिव कार्ड को लिंक करने के लिए ये विंडो खुला हुआ है तो मतलब आपका जो रेशन कार्ड एक्टिव है उसको आप लिंक कर सकते हैं लेकिन ये जो रेशन कार्ड है ये तो डीएक्टिवेट पहले से हो गया है तो इस डीएक्टिवेट रेशन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आपको नीचे जो लिंक दिया हुआ है लिंक आधार विद डीएक्टिवेट और न्यूली अप्रूव कार्ड जो ऑप्शन यहाँ पे नीचे है उसको ऊपर क्लिक करना पड़ेगा तो यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक और एक विंडो ओपन हो गया है जहाँ पे आप आधार लिंकिंग विथ डीएक्टिवेट रेशन कार्ड थ्रू मोबाइल ओ और आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर ऐड कर लेना जरूरी है क्योंकि उस आधार कार्ड से मोबाइल में एक ओ जाएगा और उस ओ से आप आधार कार्ड को या रेशन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको रेशन कार्ड का जो कैटेगरी उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आर के एस वाई टू को मैंने सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रेशन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे डाल देना है तो यहाँ पे डालता हूँ रेशन कार्ड का नंबर और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेशन कार्ड शो हो रहा है जहाँ पे उसका रेशन कार्ड का जो मेंबर का नाम है और हेड ऑफ़ द फैमिली वो शो हो रहा है और यहाँ पे जो स्टेटस में आप देख सकते हैं आधार इज नॉट लिंक्ड येट मतलब अभी तक इस रेशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो इसको लिंक करने के लिए आपको नीचे दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा लिंक आधार एंड मोबाइल नंबर इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट ओनली मोबाइल नंबर आप इसको मोबाइल नंबर के साथ भी अपडेट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आधार विथ मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ मतलब लिंक आधार एंड मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच होना जरूरी है नहीं तो ये प्रोसेस नहीं होगा और ये फेल हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आधार नंबर को डालता हूँ और यहाँ पे सेंड ओ के ऊपर क्लिक करता हूँ ओ आ गया है और ओ को यहाँ पे डालता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ ई e के वाई सी अनसक्सेसफुल एटम्प्टीग मेड फॉर डेमो ऑथेंटिकेशन ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ डेमो ऑथेंटिकेश सक्सेसफुल योर आधार विल बी लिंक सुन और देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल योर आधार विल बी लिंक सुन मतलब ये कुछ ही देर बाद ये आधार के साथ रेशन कार्ड लिंक्ड हो जाएगा और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे verify and submit का पर वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ जो नया विंडो ओपन हुआ है और यहाँ पर देख सकते आप ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली इसका मैसेज आ गया है उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस प्रोसेस के साथ मेरा जो यहाँ से रिक्वेस्ट मैंने सेंड कर दिया और वो प्रोसेस वहाँ पे मतलब ऑफिस से वहाँ प्रोसेस होने के बाद मेरे स्टेटस के ऊपर आ जाएगा वो स्टेटस जानने के लिए आपको यहाँ से फिर से एक बार यहाँ पे मतलब ये वेरीफाई रेशन कार्ड के का ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको वो चेक करना पड़ेगा टाइम से टाइम टू टाइम से एक से तीन दिन के अंदर आपको ये रेशन कार्ड अपडेट हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू दोस्तों फिर से मुलाकात होगा इस तरह एक नया वीडियो में